दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी को बताने वाले हैं कि आपको रानू मंडल के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बहुत ही मोटिवेशन चीज़ बताने वाले हैं जो आपके लाइफ को हो सकता है चेंज कर दे। लोग ये सच कहते हैं कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। यहाँ पर हम आज को वही बताने वाले हैं कि ये हर चीज़ नसीब का ही खेल होता है। देखा जाए रानू मंडल के बारे में कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ वायरल होते रहता है, तो आज यहाँ पर रानू मंडल के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ है जो हिमेश रेशमिया के साथ एक वीडियो आया है जो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाला समय में हम आपको नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पर एक मोटिवेशन वाली हम आपको बात बता दें कि किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। यहाँ तक ऊपर वाले ने जो लिख कर भेजा है उसके साथ वही होता है, तो यहाँ पर रानू मंडल के साथ वही हुआ। रानू मंडल कोलकाता में बैठे हुए एक प्लेटफार्म में उन्होंने एक लता मंगेशकर जी का गाना गाया, उस गाने को एक लड़के ने फेसबुक पर डाला और वो वीडियो वायरल हो गया और वहीं से सारे सोशल मीडिया पर वो वीडियो आने लगा। तो दोस्तों ऐसे देखिए रानू मंडल के साथ हुआ वीडियो वायरल, उस लड़के ने एक वीडियो डाली और रानू मंडल का किस्मत चमक गया। तो दोस्तों कहाँ से किस्मत खुलता है ये किसी को नहीं पता। हम आप सभी को कहना चाहते हैं जो नए यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर अभी आ रहे हैं उन्हें बहुत ही डिमोटिवेट मिल रहा है हर तरफ से, यानी कि उसे बहुत सारे लोग कहते हैं ये पागल हो गया है क्या अपने अपने में बड़बड़ा रहा है। तो उन सभी के लिए एक बात हम कह देना चाहते हैं कि दोस्तों आप किसी का ना सुने, आपके किस्मत में क्या लिखा है ना हम जानते ना आप जानते, बस अपने काम को करते जाइए मन से और लगन से दोस्तों, और हमेशा मेहनत कीजिए, मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के मेन टॉपिक में आपको क्या बताया कि रानू मंडल के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि रानू मंडल के ऊपर अभी आप वीडियो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये वायरल कंटेंट है, अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओगे तो हो सकता है कि आपके चैनल पर स्ट्राइक भी आ जाए। क्यों स्ट्राइक आ जाए? क्योंकि ये वायरल कंटेंट है और पहले से रानू मंडल का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने चैनल पर डालते हो तो आपके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये जो वीडियो है हिमेश रेशमिया के साथ आए हैं जो एक कॉपीराइट कंटेंट है, अगर आप इसकी वीडियो को यूट्यूब पर डालते हो तो आपका कंफर्म है कि आपको स्ट्राइक मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 30 सेकंड से कम वीडियो को डालने से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है, पर ऐसा गलत बात है दोस्तों। पर हम आप सभी को कह दे किस्मत में आपके कुछ लिखा होता है तो आपके साथ कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों यही रानू मंडल के साथ हुआ, आप देख सकते हो अभी रानू मंडल बहुत ही अच्छे लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेट उनके साथ बात कर रहे हैं कि आप मेरे मूवी पर अपना गाना दे, यहाँ तक सलमान खान जैसे सुपरस्टार भी उनको अपना मूवी पर गाना गाने को बोला। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।